दोस्तों, क्या आपको पता है जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और उनके बिना आज के दौर का इंसान अधूरा है। तो दोस्तों, वो है पढ़ाई। क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, दौलत होगी, महंगी गाड़ियां होगी और शौक भी आपके बड़े हो गए, लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है और आप एजुकेटेड नहीं है तो ये सब बेकार है। दोस्तों, मैंने सुना है कि कुछ लोग तो पढ़ाई को बोझ मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो पढ़ाई का बोझ कुछ भी नहीं है, अभी और कहीं बोझ उठाने बाकी है। और पढ़ाई का बोझ एक बोझ नहीं है, एक डर है, एग्जाम का डर, पढ़ाई का डर, और अगर आप इनसे डर गए ना तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, परीक्षा में पास होने का सबसे सरल फॉर्मूला क्या है पता है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्योंकि अगर आपको खुद पर, आपकी रीडिंग पर, आपकी तैयारी पर, आपकी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो एग्जाम हॉल में पहुंचते ही वो सारी तैयारी आप भूल जाएंगे और मन में एक डर बैठ जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो आपकी तैयारी कागज के पेपर पर कलम तले लिखने लगेगी। दोस्तों, ये बात सुनते ही आपको काफ़ी अजीब लगेगा कि कॉन्फिडेंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे मैं पास हो जाऊंगा, मुझे सब आता है। परीक्षा में एक ही कॉन्फिडेंस काम आता है, वो है खुद ने की हुई खुद की तैयारी पर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से भी सबसे ज़रूरी है आपकी मजबूत तैयारी। दोस्तों, परीक्षा से पहले इतनी तैयारी कीजिए, इतनी प्रिपरेशंस कीजिए, इतनी रीडिंग कीजिए कि कोई भी परीक्षा आपको हरा ना सके। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। अगर आपकी मजबूत तैयारी रहेगी ना तो कोई भी परीक्षा आपको हरा नहीं सकेगी। इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक दिनेश जाला को दीजिए इजाज़त।